हेलो इंडिया, आई होप यू ऑल गुड। वेलकम टू माय चैनल सलमानी एजुटेक। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कि ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। आज हम इसी बोर्ड के अंदर बात करने वाले हैं कि ये रेगुलेटर कैसे काम करता है लाइट के साथ में और पंखे के साथ में। आज हम दोनों चीजें सीखेंगे। आपने अब तक ये देखा होगा कि ये पंखे में लगा रहता है, पंखे की स्पीड कम बढ़ती करने के लिए होता है, लेकिन हम इसको लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसका अंदर से कनेक्शन कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपके सामने ये रेगुलेटर पहले से ही निकाल के रख दिया है। अब मैं इसको वापसी लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सा तार, तो कौन सा वायर किस में लगेगा। तो चलिए आप इसको खोलते हैं बोर्ड को। तो चलिए खोलते हैं बोर्ड हम। ये देखो, ये हमने ये निकाल दिया है। आपके पास अगर ये नॉर्मल बक्सा है तो इस बक्से को नॉर्मल सिर्फ नट लगे होंगे, नट खोल देंगे। हमारे पास ये मॉडलर है तो मैंने मॉडलर का ऊपर का उतार के नट खोल रहा हूँ। देखिए, इसे हमने खोल लिया है। तो लास्ट टाइम हमने समझाया था कि अगर इसमें से बहुत सारे तार हो और आप डर जाए तो इसे डरना नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में सब कुछ समझा रखा है। अगर आपको इसके बारे में फिर से पता करना है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस में करंट हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, हमारी लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे मैं सिंपली यहाँ पे बता दूँ कि जो आपसी में कनेक्ट होते हैं सारे तार, उसके अंदर ही करंट होता है। जैसे इसमें नीचे की तरफ सारे तार जुड़े हुए एक दूसरे से, ये सारे तारों में जो तार लगा हुआ है ये इसके अंदर करंट होगा, और यही करंट सब में सप्लाई कर रहा है सारे बटनों को। और ऊपर की तरफ वो बटन लगे, वो उसके तार लगे रहते हैं जिसमें हमने कनेक्शन देना है, जैसे पंखे का हो, ट्यूबलाइट का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो उस चीज़ का होता है। चलिए, अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन मुद्दे था ये, इसको लगाना है और फिर देखना है इसे कैसे करना है। शायद ये आपके पास मॉडलर ना हो या आपके पास नॉर्मल हो, लेकिन ये कैसा भी हो, चाहे मॉडलर हो चाहे नॉर्मल हो, तार उसके अंदर दो ही आ रहे होंगे। तो हमें डरना नहीं है कि कैसा वाला है, ये कैसा है, वो कैसा है, अंदर से तार सिर्फ दो ही होंगे। तो अब मैं इसको फिक्स करता हूँ, जो मैंने आपके लिए पहले से निकाल के रखा था। हम देख लेते हैं इसे पहले कैसे है ये। ये देखिए, मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो मैंने बताया था कि कैसा भी हो हमें डरना नहीं है, तार दो ही होंगे। तो इन दोनों तारों का मतलब क्या है, इन दोनों तारों को हम साइड रखते हैं और सबसे पहले इसका कनेक्शन करना सीखते हैं हम पंखे से के साथ। तो इस पूरे बोर्ड में आपको देखना है कि पंखे का बटन कौन सा है। तो जैसे मुझे पता है मेरा पंखे का बटन ये है, तो मेरा जो ये कनेक्शन वाला है ये ऊपर की तरफ, जिसके अंदर करंट नहीं होगा बटन बंद करने पर, और जो नीचे की तरफ करंट वाला होगा, मैं आपको टेस्टर से दिखाता हूँ। नीचे की तरफ देखो लाइट जल रही है, इसमें करंट है फुल। तो ये पावर का बटन है जिसके अंदर करंट आ रहा है, और ये इसके अंदर देखो लाइट नहीं जल रही है क्योंकि बटन बंद है। मैं बटन ऑन करूँगा तो लाइट जलेगी। इसका मतलब ये ऊपर से आ रहा है, जो पंखे से डायरेक्ट आ रहा है, ये पंखे के अंदर का बटन है। तो मुझे इससे निकालना है पंखे के तार को बटन से। इसको निकाल के ये जो दो तार आ रहे हैं इसके अंदर से, ये तार इसमें जोड़ देना है। किसी में भी जोड़ो दोनों में से, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक तार का तो हमने काम कर दिया इसके साथ में। तो रेगुलेटर में से दो तार आ रहे थे, एक का काम तो हमने कर दिया है। जो पंखे का तार आ रहा था ऊपर से, उसको यहाँ से निकाल के बटन में से हमने उसमें जोड़ दिया है। अब एक तार बचा है रेगुलेटर का, तो इस एक तार को वहां लगाना है जहां से हमने पंखे का तार निकाला है, यानी इस बटन में। मैं लगा देता हूं। ये मैंने लगा दिया है। अब हमारा रेगुलेटर का काम बटन के साथ में हो चुका है, यानी पंखा अब इससे काम करेगा। तो आप देखते हैं, मैंने ये दबाया और देखो पंखा चलने लगा। अब ये चल रहा है उस स्पीड से जिस स्पीड पे हमारा रेगुलेटर होगा। अगर ये दो पे होगा तो दो की स्पीड से चलेगा, तीन पे होगा तो तीन की स्पीड से चलेगा। अब ये इस टाइम दो पे चल रहा था, अब ये एक पे चल रहा है। अब मैं इसको तेज कर दूंगा तो ये चार पे चलने लगेगा।
जिसमें भी हमने इसे फिक्स करना है वो उस पर ही स्पीड पे करने लगे आप। बस यही काम करना होता है हमें रेगुलेटर का, कि जो हमारा पंखे में कनेक्शन करना है तो पंखे के तार वालों को इसके एक तार से जोड़ दो और दूसरा बटन उसमें डाल दो जहाँ पे मेन पावर है। अब मैंने इसके साथ करके दिखा दिया, अब सेम सिस्टम हम इसको ट्यूब लाइट के साथ करेंगे। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, मैंने इसका पंखे का तार निकाल दिया है, अब मैं इधर से रेगुलेटर का तार भी निकाल देता हूँ, मैंने रेगुलेटर का तार भी निकाल दिया है। अब मैं पंखे का तार थोड़ी देर के लिए साइड रख देता हूँ। मैंने कहा था सबसे पहले हमें क्या पहचानना है, अब हमें ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना है तो हमें ट्यूबलाइट का तार पहचानना है। जैसे मुझे पता है इस सारे बटनों में मेरी ट्यूबलाइट का मतलब पहचान लिया था, ये तार है मेरा ट्यूबलाइट का, तो मैं इसका ऊपर वाला खोल लेता हूँ। सिंपल जो हमने पंखे में करा था वही इसमें करना है। अब ये ट्यूबलाइट का तार निकाला, रेगुलेटर वाले में किसी में भी एक में जोड़ दिया इसे, और जो रेगुलेटर का दूसरा तार बचा है उसको जहां से हमने ट्यूबलाइट का या पंखे का तार निकाला है वहां पे लगा दो, टाइट कर दो। बस ये यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब आप सोच रहे हो इस तार का करना क्या है, कहीं पे लगाना है या छोड़ना है? इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको टेपिंग करके इसी बक्से के अंदर डाल के इसको पैक कर देना है। अब हमारा ये ट्यूबलाइट का भी कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको रेगुलेटर के साथ घुमाऊंगा तो ट्यूबलाइट भी कम बढ़ती होगी, ज़्यादा जलेगी मतलब एक पॉइंट पे कम जलेगी, दो पे थोड़ी ज़्यादा जलेगी, उसी हिसाब से जिस हिसाब से ये रेगुलेटर करंट पास करेगा आगे को। तो हमने इसका कनेक्शन हमने पंखे से भी सीख लिया है और ट्यूबलाइट से भी सीख लिया है, दोनों ऐसे ही होते हैं। जैसे इसका कनेक्शन कराया वैसे ही होगा, आप अपने घर में करके देख लीजिए। कोई दिक्कत आया आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।